Good morning students, good morning. Today we are going to discuss few important numericals based on current electricity, right? Now the first question, a potential difference V applied to the conductor of length L, diameter capital. How are the electric field, drift velocity and resistance affected? देखिए conductor की dimension है L length d diameter. आपने V potential difference apply किया, तो आपको ये बताना है कि electric field intensity पे क्या effect पड़ेगा, drift velocity पे क्या effect पड़ेगा और resistance पे क्या effect पड़ेगा अगर when V is doubled. अगर वोल्टेज को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पहले केस में हमें ये देखना है कि वी को अगर हम डबल कर दें. तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाता है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जाता है, ठीक है. अब फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें वी अपीयर हो, तभी तो आप वेरिएशन देख पाएंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V बाई L, वोल्टेज बाई लेंथ. ये आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से, E इक्वल टू dV बाई dr से. दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E इनटू tau डिवाइडेड बाई m, लेकिन कैपिटल E को हम क्या लिख देते हैं, V बाई L, क्योंकि हमें वोल्टेज इंट्रोड्यूस करना है. हमारा फॉर्मूला बन गया E V tau, tau का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, डिवाइडेड बाय ML, राइट. देन रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाय A, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, देखना है वेरिएशन, है ना. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, A जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है. लेकिन हमें आर ने दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ, डायमीटर. तो हम क्या करेंगे, R की जगह लिख देंगे d बाई टू. डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई फोर आएगा, तो फोर न्यूमरेटर में चला गया. अब देखिए अगर मैं वोल्टेज को डबल करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. पहली बात क्लियर. दूसरा, अगर वोल्टेज में डबल करता हूं V, तो वी डी क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. अब तीसरे फॉर्मूले में अगर आप देखें, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तो कहीं V नहीं आया है, वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक. अगला केस, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, सेकंड केस में आपको बताना है अगर लेंथ को डबल कर दे तो इन तीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखिए अगर मैं यहाँ लेंथ को डबल कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ, E बिकम्स हाफ. यहाँ अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो ये भी डिनोमिनेटर में, इसका मतलब VD क्या हो जाएगा, अगेन इट इज हाफ. अब अगर मैं यहाँ लेंथ को डबल कर रहा हूँ तो यहाँ L न्यूमरेटर में, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा. तो E हाफ, VD हाफ, लेकिन R क्या होगा, डबल हो जाएगा. अगला केस है अगर कैपिटल D यानी डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या होगा. देखिए यहाँ कहीं D नहीं, इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो E will remains unchanged. VD पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पे कैपिटल D नहीं, लेकिन यहाँ कैपिटल D. अब अगर मैं इसको डबल करता हूँ बेटा तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, 1/4, ठीक है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है. अब पहले क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क दिया है इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे. वोल्टेज हमें पता है बैटरी की, तो रेजिस्टेंस अगर आपने निकाल दिया, वोल्टेज आपको दिया है, तो करंट भी निकल जाएगी. अब इसका जो मॉडिफाइड सर्किट है उसे हम बनाते, तो मॉडिफाइड सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना. आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते. अब देखिए यहाँ पे ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये देखना है पहले. बैलेंस क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यानी यहाँ पे आर वन बाई आर फाइव इज इक्वल टू आर
फोर बाई आर थ्री, अगर ऐसा हो जाता है तो ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो देखिए ये वन वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई फोर, तो टू बाई फोर भी क्या होता है वन बाई टू ही होता है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी डायगोनल, ठीक है। तो जो करंट यहाँ है आर वन में वही करंट किस में जाएगी आर फाइव में, इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए सीरीज में। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर वन प्लस आर फाइव, आर वन प्लस आर फाइव तो कितना हो गया थ्री ओम। फिर जो करंट यहाँ जाएगी आर फोर में वही आर थ्री में जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए तो ये कितना हो गया टू प्लस फोर सिक्स ओम। अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस है, इन दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, तो वो किस में आ गए पैरेलल। अब पैरेलल में हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू यानी वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है टू, ठीक। अब करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है बैटरी की फोर वोल्ट, तो फोर बाई टू इक्वल टू टू एम्पियर, तो टू एम्पियर के करंट फ्लो हो रही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेस टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। पहले उसकी लेंथ को डबल कर दी, अब लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हाफ, है ना ए बाई टू, टू को ऊपर ले लो तो कितना आ गया फोर टाइम्स, पहले रेजिस्टेंस कितना था 15 ओम, अब फोर टाइम्स हो गया यानी कितना हो गया 60, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं, इट इज देन कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अब 60 के दो टुकड़े हो गए है ना टू पार्ट में, तो हर एक का कितना हो जाएगा 30 30, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 30 हो गया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, मैंने 30 ओम और 30 ओम पैरेलल में जोड़ दिया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30 इक्वल टू 1 बाई आर, इसका मतलब 30 बाई 2 इक्विवेलेंट, तो 15 ओम बचे। अब इसको किसके साथ कनेक्ट किया 3 वोल्ट बैटरी के साथ, तो 3 वोल्ट बैटरी के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस 3 बाई 15, 3 क्या है वोल्टेज 15 क्या है रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 0.2 एम्पियर, कितना है 0.2 एम्पियर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम करंट को कैलकुलेट कर, नेक्स्ट है आपको इसे सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना करंट। अब दो बैटरी हैं, एक 2 वोल्ट की है दूसरी भी 2 वोल्ट की, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज है आर वन और आर टू, ठीक है। आप क्या करो पहले अपनी एक डायरेक्शन चूज कर लो जिसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन लेना, तो मान लिया ये डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन से नहीं बनी हुई, तो हमने यहाँ बना दिया करंट की डायरेक्शन, ठीक। मान लिया करंट इधर से गई आई, वही करंट किधर भी जाएगी इधर जाएगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ यूज करते हैं और इक्वेशन बना के उसे हम सॉल्व कर देते, ठीक है। करंट कितनी आई 0 एम्पीयर, उसका कारण यह है 0 आने का क्योंकि इन दोनों की वोल्टेज क्या है बराबर है, और एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ही नहीं है ना, इसलिए करंट 0। तीसरा अगला केस, अगला क्वेश्चन ये है किरचॉफ्स लॉ से ही रिलेटेड, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे हर लूप के लिए इक्वेशंस बनाएंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये पहली लूप ले रहे हैं ये वाली, इसमें करंट की डायरेक्शंस बनी हुई है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है जब बनी हुई, पहले इसको लेते इस लूप, ठीक है। इस लूप के लिए पहला वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, ठीक है ना। अब हम फिर से वही ले रहे हैं बेटा, इस डायरेक्शन में ये एरो ले रहे हैं, ठीक। ये वाले की जो डायरेक्शन है वो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, इसे क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया 2 वोल्ट, ठीक। दूसरा है ये 1 वोल्ट, ठीक। अब जब हम इधर को जा रहे थे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल सामने आ गया,
इसका मतलब इसे मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, यहाँ हमने ले लिया माइनस वन। ठीक, अगला है ये, आप देख रहे हैं ये 4 एम्पियर है और करंट जा रही है इधर को, हम जा रहे हैं इधर को। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया कि हमें ये पॉजिटिव लेना होगा। ठीक, इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक, तो आपके पास ये इक्वेशन पहली इक्वेशन। ठीक, अब अगली लूप लेते हैं ये वाली, इसमें दो है, एक है और एक है। अब आप बताओ वन को मैं क्या लूं, इस लूप के लिए ये है एरो, इसको मैं क्या लूं, पॉजिटिव, ये आ गया प्लस वन। ये वाले को अगर मैं देखूं तो मैं इधर को जा रहा हूं, ये इस तरफ करंट दे रहा है, इसे मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, अपोज कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं चल रहा हूं इधर को, ये जा रहा है इधर को करंट, तो 3 × I2 को क्या लेना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा अपोज कर रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल अगेन अपोजिंग, इसका मतलब ये भी क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। कुल मिला के फंडामेंटल ये है कि जब ईएमएफ को आप देखेंगे ये आपका सपोर्ट करेगा तो पॉजिटिव लेना है, और ईएमएफ आपका अपोज कर रहा है, एरो का अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब उसे आपको नेगेटिव लेना है। लेकिन जब करंट इंटू रेजिस्टेंस लेंगे तो अगर एरो का सपोर्ट करेगा तो उसे नेगेटिव लेंगे, और अगर वो अपोज कर रहा तो उसे पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद ये सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप जंक्शन रूल लगा सकते हैं, इनकमिंग करंट केवल I3, आउटगोइंग I1 और I2, इसका मतलब I3 = I1 + I2, ये इक्वेशन इस तरीके। फिर इनको सॉल्व करने के बाद I1, I2 और I3 कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, जब जॉकी को हम यहाँ से स्लाइड करके ले जाते हैं तो किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, इसका मतलब डायगोनल की करंट जीरो हो गई, तो P/Q = R/S हो जाता है। ठीक, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर, कहाँ से, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिल गया, नल पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका रेजिस्टेंस है एक्स और इसका वाई है, जो इसे हमें कैलकुलेट करना, फॉर्मूला हो जाएगा X/Y = Ly100 - L, L में ये वाली डिस्टेंस ले रहा हूँ, दिस इज L, ये कितना हो गया X/Y = 60, 60 पे मिला ना नल पॉइंट, 60/40, ये बन गया 3/2, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद Y, अब इसके साथ आपने 15 सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, Y + 15, तो नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A, यानी 10 सेंटीमीटर A की तरफ चला गया, तो ये कितनी रहेगी, अब बैलेंसिंग लेयर 50, तो हम इसे लिखेंगे X/Y + 15, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया Y + 15 = 50/50, और फिर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे, कल आपका टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, राइट, थैंक यू।